शुरू कर दी है। उसको जहान के पल महार का नाम लेके जो सबके बहुत दीन रहता और बख्शिशा करने वाला है, उसको जब भी इस नगर का नाम सुनते हैं तो उस वेले सादा ध्यान साड़ी सुरती एक रब दे आशिक की तरफ चली जाती है, जो अपने मुर्शिद नाल बड़ा प्रेम करता है, जिन्हां दा नाम सी हजरत अमीर खुसरो, जो अपने मुर्शिद नाल बड़ा प्रेम करते से, इन्नी मुहब्बत इन्ना प्रेम कि हर वेले उन्हां दी तार उन्हां दा मन गुरु चरणा च ही जुड़िया रहिंदा सी। तो जदों भी खुसरोपुर का नाम आता है तो सानू अमीर खुसरो जरूर याद आते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने हिरदे च अपने सतगुर का अपने मुर्शद का प्रेम से, इस तरह इन्होंने जीवों के दिलों च भी वो सतगुर का प्रेम है, इन्होंने सुरती भी उस मालक के चरण जुड़ी हुई है। इसलिए हजरत अमीर खुसरो की जिंदगी का एक वाकया जिदे असं अज के सत्संग की शुरुआत करा, बड़ा प्यारा वाकया है, पता लगता है इस वाकया तो इस किस्से तो कि एक तालिब का एक सेवक का अपने गुरु के नाल अपने मुर्शद के नाल कितना प्रेम सी, और प्रेम होवे तो कैसा होवे, मुहब्बत होवे तो कैसे। एक बार एक आदमी जिहड़ा बड़ा गरीब सी, घर दे विच तंगी बहुत सी, और उहदी बेटी की शादी सी, शादी नूं कुछ दिन बाकी रह गए और उहदे घर दे विच इन्नी तंगी है कि खाण नूं रोटी भी नहीं है, बड़ा परेशान है। एक दिन परेशान बैठा है तो उसकी पत्नी ने उसनूं कहा कि स्वामी तुसी कुछ ना कुछ करो, कोई हिम्मत करो, क्योंकि दो दिन बाद लड़की की शादी है, दो दिन विच है, तीसरे दिन बरात आनी है, और तुसी हाथ ते हाथ रख के बैठे हो, इस वेले अपने खाण नूं कुछ नहीं है तो बच्ची की शादी किस तरह होएगी। तो उस वेले उसने कहा, उस इंसान ने कहा अपनी पत्नी नूं कि फिर मैं दस मैं की करा, मैं तो आप परेशान हाँ, कोई समझ नहीं मैनू आता, मंगिया तो भी कोई कुछ नहीं दिंदा, मैं खुद परेशान है कि मैं की करा। आवाज जरा गौर कर, खुद परेशान हाँ कि मैं की करा। तो उसकी पत्नी ने उसनों एक रास्ता दिखाया कि स्वामी तुसी इस तरह करो, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरबार है, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो हजरत अमीर खुसरो के गुरु से, कि तुसी हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार जाओ और जाके उन्होंने चरणों च बेनती करो, क्योंकि वह बड़े करनी वाले फकीर है, और फकीरां दे गुरुआं रहबरां दे दर ते अगर कोई जांदा है तां झोलियां भर के आंदा है, कोई खाली नहीं आंदा कदी, इसलिए तुसी उत्थे जाके बेनती करो। जिस वेले पत्नी ने अपने पति नूं समझाया तां इस गरीब इंसान ने अपनी पत्नी दा कहना मन के तुर पिया, अपने पति दे पत्नी दे वचन नूं मन्निया और तुर पिया, सफर करदा करदा हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार पहुंच गया। निजामुद्दीन औलिया अपने दरबार च बैठे है और इसने जाके चरणा ते सिर रखिया और इहदियां अखां च पानी आ गया, रोण लग गया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा, भाई रो क्यों रहा है, उठ, परेशानी की है, दस। तो उस वेले एक कहन लगा कि महाराज मैं बड़ी आस दे नाल बड़ी उम्मीद दे नाल मैं तुहाडे कोल आया कि दो दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, घर दे विच बड़ी गरीबी है, खाण नूं रोटी तक नहीं है, सो तुहाडे कोल बेनती करन आया कि महाराज मेरी कुछ मदद करो। तो उस वेले निजामुद्दीन औलिया ने कहा, भाई ये तो फकर का दर है, फकीरां का दर है, फकीरां के दर पर तो उहदी रहमत उहदी बख्शिश ही वसदी है, बाकी ठीक है तू आया है तो तेनू खाली नहीं मोड़ांगे, तू बैठ। अगर अज कोई भी जीव आया, कुछ भी चढ़ चढ़ी, कोई चढ़ावा चढ़िया, वह सारा असी
तेरी चोली पा देवांगे, क्योंकि उदा तो फकीर ने कुछ जमा नहीं किया होंगे, जो आ जाए उ खुदा के रस्ते प्रभु के रस्ते वंड देंगे। तो जे कुछ आ गया तो जो भी आया तेरा। ते प्रेमी एक आस से बैठ गया, पर कुदरत रब दी कि सवेर तो लेके शाम तक पूरा दिन बीतिया, पर कोई भी उस दिन आया ही नहीं। जब शाम हुई तो हजरत निजामुद्दीन दे मुख की तरफ देख रहा है कि हजूर अज तक कोई भी नहीं आया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते भी कोई नहीं, तू इंतजार कर, शायद कल कोई आ जाए, अज की रात इतने आराम कर, कल जो भी आएगा वो सब कुछ तेन पर जाएगा। एक आस से वो रात भी रुक गया। अगला दिन होया, सवेर हुई और सवेर तो दोपहर हो गई, पर हाले फिर कोई ना पहुंचया। तो जो दोपहर हुई तो उठ्या और उठ के निजामुद्दीन औलिया नूं कहण लगा, महाराज मैनू आग्या दो, क्योंकि कल का दिन भी मेरा उदी चला गया, अज का अद्धा दिन भी खराब हो गया, हुण फिर शाम तक बैठा रहा, तो कल नूं रात आनी है, मैं घर जाके कुछ करना भी है, घरवाली नूं कोई जवाब भी देना है, क्योंकि अज की रात विच है। सो मैनू आग्या दिओ, हाले तक तो कोई आया नहीं और की पता कि शाम तक भी कोई आवे या ना आवे, इसलिए मैनू हुण जाण दी आग्या दो, तुहाडे भरोसे ते मैं डेढ़ दिन अपना खराब कर लिया। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, बेटा तू खराब नहीं किया, क्योंकि फकीरां दे संतां गुरुआं रहबरां दे चरणां च जे इंसान दो मिनट भी बैठ लैंदा है, दो घंटियां भी बैठ लैंदा है, तो यह ना सोचे कि यह टाइम यह समा मैं खराब किया। नहीं, गुरुआं रहबरां संतां महापुरशां दी संगत विच बीतण वाला एक एक पल इंसान का लेखे लगता है, सफल होता है, वह व्यर्थ नहीं जाता, वह एक एक पल की बहुत बड़ी रहमत, बहुत बड़ी बख्शिश फिर उस परमात्मा दे उस मालिक दे घर तो इंसान नूं प्राप्त होंदी है। इसलिए बेटा तू यह ना सोच के तेरा दिन खराब गया, और देख तू आया सी किसी उम्मीद नाल, हुण खाली भेजदिया भी तैनूं चंगा नहीं लगता, हुण तू खाली जावे सो चंगा नहीं लगता, इसलिए जांदा जांदा इस तरह कर साडी जुत्ती लै जा। जरा गौर करना, चरणा दे विच जोड़ा पिया सी, उसनों क्या साडा जोड़ा ही लै जा, साडी जुत्ती लै जा, पुश्ता लैके जा, क्योंकि जे होर कुछ हुंदा तां तैनूं दे देना सी, फकीर किसे नूं मना नहीं करदे। सो इस वेले तां इही है, यह जोड़ा ही लै जा। उन्हां क्या जोड़ा, जदों जोड़े वाल देखिया तां जोड़ा भी कुछ पुराना हो चुका सी, तां मन दे विच आया कि कमाल हो गई, डेढ़ दिन बैठा रहा तां दित्ता भी की, तां टुट्टी जे जुत्ती, वह भी कहिंदे लै जा। हुण मन तो सोचा कि चलो खाली हाथ जाण नालों कुछ ना कुछ तो लो, चाहे टुटी है पर पैरी तो पएगी। सो जुत्ती चक्की, बाहर आके पैरों च पा ली और तुर पिया पैरों च पा के जुत्ती अपने घर की तरफ। बड़ा मन परेशान है कि किन्नी उम्मीद नाल आया सी पर फायदा की होया आण नाल, पर यह नहीं पता कि देण वाले ने किदां देना है, कदों देना है, यह देण वाला ही जाणदा है। इंसान जदों फरियाद करता है, अरदास करता है, बेनती करता है, तो इंसान की बेनती कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, एक गल हमेशा याद रखो। इंसान की कीती हुई हर एक प्रार्थना, हर एक अरदास, हर एक दुआ उस मालिक, उस परम पिता परमात्मा के घर जरूर कबूल होती है। बस थोड़ा जहा इंसान नूं सबर रखना पैंदा है, थोड़ा जहा धीरज रखना पैंदा है। जे इंसान सबर ना करे, जल्दबाजी करे, तो फिर गुआंदा भी इंसान अपना ही है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पैंदा। सो किदां किहदे बेड़े नूं बन्ने लगाना है, किस तरह किसकी जिंदगी नूं सवारना है, यह तो वह संत ही समझते हैं, या वह मालिक वह प्रभु परमात्मा समझता है। हुण इस गरीब की जिंदगी नूं भी किदां बदलना सी, उन्हें डेढ़ दिन क्यों बिठाया, उहदे पिछे भी राज सी, पर वह राज बाद विच खुलदा है तो फिर इंसान नूं पता लगता है कि वो मेरा टाइम और समा व्यर्थ नहीं गया। जे वो समा उत्थे मैं ना गुजारदा तां अज जिहड़ी बख्शिश मैनू मिली है ये बख्शिश मैनू मिलनी नहीं सी, क्योंकि कहिंदे ना हर एक चीज का एक समा हुंदा है, पेड़ां ते फल लगदे, फल लगण दा भी एक समा हुंदा है, खेतां च कणकां लगदियां है, कणकां दा अपना समा है, मक्की दा अपना समा है, झोने दा अपना समा है। इसी तरह जिस तरह फलां नूं देख लो,
कि सेब किहड़े मौसम ते लगने है उहदा अपना समा है, अंब किहड़े मौसम ते लगने है उहदा अपना समा है, हरेक चीज का एक समा होंदा है। इसी तरह उस मालिक की बख्शिश, उस मालिक की कृपा, उस मालिक की रहमत कदों इंसान ते उतरनी है और कदों इंसान दियां खाली झोलियां भरनी है उहदा भी एक समा होंदा है। बस थोड़ा इंतजार करना पैंदा है। जिहदा इंसान किसान इंतजार करदा है कदों फसल पक्के तां मैं इहनूं वढ के कर लिया ना, ये नहीं कि हले फसल हरी है तो वढ़नी शुरू कर दिंदा, नहीं, वह भी इंतजार करता है, पता है कि जे फसल बोई है तो एक दिन पक्केगी और घर भी जरूर आएगी। इसी तरह तुहाडी प्रार्थना भी, फसल भी पक्केगी और उहदियां रहमतां तुहाडे घर जरूर आणगियां। बस थोड़ा जिहा इंतजार, थोड़ा जिहा सबर। हुण इधर ए गरीब इंसान हजरत निजामा दी नौलिया दी जुत्ती पैरी पाई और तुर पिया और मन च सोचता जा रहा है मैं डेढ़ दिन खराब हो गया, मेरा घर जाके पत्नी नूं की मुंह दिखाऊंगा, की कहूंगा कि की लैके आया आ जुत्ती। पत्नी भी नाराज होएगी और अद्धी रात विच है, शाम होने वाली है, कल बरात है, की करांगा, कुछ समझ नहीं आ रही। इन्हां सोचां दे विच ही मगन सोचां दे विच तुरिया जा रहा है। अग्गों एक काफिला आ रहा है, इधर एक गरीब इंसान जा रहा है और अग्गों एक काफिला आ रहा है। काफिला ऊंठा का काफिला, बहुत लंबी कतार लगी हुई है ऊंठा की और उस ऊंठा की कतार के अगे अगे कुछ इंसान एक पालकी नू चकी हुई है, क्योंकि पहला समा होंदा सी जदों बड़े बड़े सेठ होंदे सी या राजे महाराजे होंदे सी, वो पालकियां च बैठते सी तां उहदे नौकर वो पालकियां नू कंधे ते लैके तुरदे होंदे सी। हुण इसी तरह कुछ आदमियां ने, चंगे तकड़े आदमी है जिन्हां ने एक पालकी नू कंधियां ते उठाया है और पालकी जा रही है पिछे पिछे ऊंठां दीआं कतारां। अचानक पालकी दे विचों आवाज आई कि रुको। जदों आवाज आई नौकरां ने पालकी रोक दित्ती, पिछे ऊंठां दीआं कतारां भी रुक गईआं क्योंकि वह भी नौकर अपने अपने हत्थां च एक दूजे के पिछे ऊंठ बन्ने हुए है और ऊंठां दी रस्सी अपने हत्थां च फड़ के तुरे हुए। आवाज आई पालकी दे अंदरों रुको। जदों हुक्म अंदरों होया पालकी रुक गई और कहा कि पालकी फौरन नीचे रखो। नौकरां ने आवाज दित्ती कि हजूर इत्थे तां चारों तरफ रेत ही रेत है और तुसीं इत्थे उतरने इन्नी गर्मी च। वह कहिंदे हाँ, फौरन रोको और पालकी रख दित्ती गई जमीन ते। और जदों पालकी का परदा हटिया तो पालकी दे अंदरों कौन निकलिया? हजरत अमीर खुसरो, क्योंकि हजरत अमीर खुसरो एक बहुत अमीर सी, धन दौलत हीरे जवरात भंडार सी उन्होंने कोल, कोई कमी नहीं सी, इसलिए उन्होंने नाम अमीर पै गया अमीर खुसरो। बड़े धनी सी, जदों जाते कि व्यापार कर जो जाते कि कई कई ऊंठा से उन्हों का समान होंदा सी, क्योंकि उस वेले ऊंठा से या बैलगाड़ियां समान ले जाके व्यापारी बेचते होंगे। सो अज भी वह दूर नगर तो व्यापार करके वापस आ रहे हैं दिल्ली को। जरा गौर करना, दिल्ली के अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया दरबार से और हजरत अमीर खुसरो के मन से कि जाता जाता अपने मुर्शद का दीदार कर लव, इसने मुर्शद की तरफ जा रहे थे। हम कई दिन बाद व्यापार करके आए हैं, बड़ा मुनाफा होया है और वो मुनाफा ऊंठा पे लगे होया है, कई ऊंट है और मुर्शद के दर्शन वास्ते जा रहे हैं तो अचानक पालकी रुकवाई कि रुको, पालकी फौरन नीचे रखो। और जदों पालकी चो बाहर निकले तो सेवका ने पूछा, हजूर की गल हुई? वो कहते, ठहरो, मैनू अपने मुर्शद की महक आ रही है, मैनू इस तरह लगता है मेरा मुर्शद, मेरा सतगुर कितने नजदीक ही है। यही तो प्रेम होता है एक सेवक का गुरु के नाल। जरा गौर करना, जिस तरह फुल खिलते हैं तो कई बार असं दसिया कि फुल खिलते हैं तो फुल तितलियां चिट्ठी नहीं लिखते या फोन नहीं करते कि असं खिलने आ जाओ, वह फुलों की महक ही तितलियां भवरिया अपने वालों खिंच लेंदी है। इसी तरह सतगुरु भी वह फुल है कि जिहड़े वाकई वह फुल दे भवरे होंगे है, वाकई वह सतगुरु नाल प्रेम करन वाले होंगे, उन्होंने भी सतगुरु की महक ही खिंच लेंदी है कि मेरा सतगुरु आ गया भी, चलो बस खबर पहुँचती है
कि आ गए मेरे सतगुरु तो जरूरी तो जरूरी काम छड़ के भी वह पहुंच जाते हैं गुरु के दर्शन, क्योंकि पता है कि गुरु के दर्शन तो ज्यादा जरूरी तो और कुछ दुनिया से है ही नहीं। इसलिए हजरत अमीर खुसरो अपने सेवका कह रहे हैं कि भाई मैं अपने सतगुरु की महक आ रही है, मेरे मुर्शद की महक आ रही है। वो कहते हजूर इतने तुम्हारे मुर्शद कितों, उन्होंने दरबार तो हमें दूर है। वो कहते मैनू भी पता है दरबार दूर है, पर इतों उन्हों की महक आ रही है तो मतलब वो कितने नजदीक है। वो कहते महाराज सानू तो कोई आ नहीं रही महक, गर्म हवावां चल रही है, कोई महक नहीं है। तो उस वेले हजरत अमीर खुसरो कहते तुहाडे कोलो नक कित्थे है जिहड़ा वह मुर्शद की महक न महसूस कर ले, क्योंकि मुर्शद की महक न महसूस करने वास्ते भी नक की जरूरत है। वो प्रेम का नक, क्योंकि प्रेम के नक के नाल ही प्रेम की महक न महसूस किया जा सकता है, बिना प्रेम तो वो महक महसूस नहीं होंगी। कि तुसी मनो जा ना मनो, मेरे मुर्शद की महक मैनू आ रही है, कितने नजदीक ही है मेरे मुर्शद। हाले यही चर्चा चल रही है जब नू वो गरीब इंसान जो पैरी जुत्ती पा के हजरत निजामुद्दीन औलिया की तुरिया है वो नजदीक आ गया, क्योंकि वह अगों आ रहा है, इधरों जा रहे थे, दरबार तो आ रहा है, यह दरबार में जा रहे थे। इसलिए रस्ते च हाले खड़े गल ही कर रहे हैं कि उधरों वो आदमी नजदीक आ गया, तो हजरत अमीर खुसरो कह लगे देखो महक होर बढ़ गई, महक होर ज्यादा बढ़ गई, इदा मतलब कितने नजदीक ही है, पर है कितने समझ नहीं आ रही, क्योंकि चारों तरफ तो मैदान है, दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है जरा सोचिए कि फलाने के घर च बैठे, फिर आ कितों रही है महक। हाले इसी सोच में सी कि वह आदमी जरा गरीब आदमी सी वह कोल दी लंघ गया, क्योंकि रस्ता सी रस्ते कोल दी लंघ गया। जो तो लंघ गया तो नाल ही हजरत अमीर खुसरो दे चेहरा भी उधर घूम गया कि हुणे महक मेरे कोल सी, हुणे इधर चली गई। उन्होंने ध्यान गया उस आदमी की तरफ कि आदमी इधर सी तो महक इधरों आ रही थी, जो नजदीक आया तो महक होर बढ़ गई, हुण इधर चला गया तो महक भी इहदे नाल ही चली गई। इहदा मतलब जो मेरे मुर्शद की महक आ रही है उहदा कोई ना कोई राज इहदे कोल है। अपने सेवक नूं कहा इस आदमी नूं बुलाओ, रोको। नौकर गए दौड़ के उस आदमी नूं रोकिया जो सोच में तुरिया जा रहा है, परेशानी में तुरिया जा रहा है कि कल नूं बेटी की शादी है की करांगे, कुछ समझ नहीं आ रही। आवाज मारी इन्होंने नौकरा ने कि रुक बई इधर आ, तेनू हजरत बुला रहे। वो आदमी आ गया हाथ जोड़े कि हाँ महाराज दसो किस तरह बुलाया है। तो हजरत अमीर खुसरो ने देखा महक इहदे कोलों ही आ रही है, क्योंकि हुणे मेरे साडे सामने खड़ा तो महक आ रही है। तो उस वेले हजरत अमीर खुसरो ने उसको पूछा कि भाई तू कितों आ रहा है। तो उन्हें कहा कि मैं निजामुद्दीन औलिया के दरबार चो आ रहा हाँ। तो हजरत अमीर खुसरो ने कहा फिर एक गल का जवाब दे, सच सच दसी कि मेरे मुर्शद की कोई चीज भी है तेरे को, क्योंकि मैं अपने मुर्शद की महक आ रही है और वो ताही आ सकती जे मेरे मुर्शद की कोई चीज तेरे कोल हो। सो कोई है तेरे को चीज मेरे मुर्शद की। तो उस वेले उन्हें कहा हाँ है। हजरत अमीर खुसरो कहने की है जल्दी बोल। तो उन्हें कहा की आ जुत्ती है जो मैं पैरी पाई हुई है उन्हें भी है। जो इशारा किया और हजरत अमीर खुसरो की नज़र जुत्ती ते गई तो अखा च पानी आ गया कि केड़ी रहमत है और किहदे पैरां च, क्योंकि गुरु के तो चरणा की धूड़ भी बिना भागा तो नहीं मिलती, गुरु के चरणा की धूड़ भी किस्मत वाले मिलती है। और जो कहते हैं ना कि गुरु के चरणा की धूड़ जो मस्तक से लग जाए तो इंसान दी तकदीर भी बदल जाती है। संतां के चरणा की धूड़ी की भी बड़ी वडियाई है। वेदा अंदर कथा आती है, जरा गौर करना, वेदा के अंदर कथा आती है कि एक बार नारद मुनि ने जाके विष्णु नूं पुछया कि हे श्री हरि संसार दी ब्रह्मांड दी सब तो कीमती चीज केड़ी है, ब्रह्मांड दी संसार दी सब तो कीमती चीज केड़ी है वह मैनू दसो। तो उस वेले विष्णु ने कहा कि नारायण, नारद मुनि तू हमेशा नारायण नारायण जपता रहता है तो तेनू यह भी नहीं पता कि कीमती चीज केड़ी है। उन्हें कहा ताही तो तुहानू पूछ रहा हां, क्योंकि ब्रह्मांड अंदर बहुत कुछ है, धरती है, आसमान है,
स्वर्ग है, नरक है, सूरज चंद सितारे है, हीरे मोती है, जल वायु, ये हर एक चीज है, पर सब तो कीमती चीज केड़ी है? मैं ये जानना चाहना हूं। सो तुसी कृपा करके दसो कि सब तो कीमती चीज संसार की केड़ी है? तो उस वेले विष्णु ने कहा कि नारद हाले समा नहीं आया, थोड़ा समा रुक, जो समा आएगा असी तेरे सवाल का जवाब तेनू जरूर देवांगे कि संसार की सब तो कीमती चीज केड़ी है, थोड़ा समा। वो कहना महाराज किन्ना समा? वो कहते तू इदा कर, कल आ जा, कल तेनू जवाब देवांगे। कह के उसने भेज दिता, नारद मुनि चला गया। नारायण नारायण करता नारद चला गया। अगला दिन होया और अगले दिन जो नारद वापस पहुंचे विष्णु लोक, विष्णु लोक जो पहुंचे विष्णु को मिलन कि अज मैनू मेरे सवाल का जवाब मिलना है कि दुनिया की सब तो कीमती चीज केड़ी है। जो कहते पहुंचे विष्णु लोक, जो पहुंचे विष्णु लोक तो देखिया की देखिया कि उत्थे तो पहले ही काफी देवता कट्ठे हुए हैं, अज तक काफी लोग है उत्थे कट्ठे, पहले ही देवी देवता कट्ठे है। तो नारद बड़ा हैरान हुआ कि अज इन्ने देवता इतने की कर रहे हैं। पूछा जाके नारद ने की गल हो गई, तो सारे ने कहा भाई अज श्री हरि की तबीयत खराब है, वो तो ठीक नहीं है। नारद में भी फिक्र हुई, दौड़ के अगे होया तो जो देखिया पूछा जाके महाराज की गल हो गई, उन्होंने कहा साडा पूरा शरीर दर्द कर रहा, साडा सिर फटिया जा रहा है, बड़ी दर्द हो रही है। वो कहिंदा महाराज स्वर्ग दे वैद नूं नहीं दिखाया, जरा गौर करना, धनवंतरी स्वर्ग का वैद उन्हूं नहीं दिखाया तुसीं? तो वैद भी कौन ही सी? उन्हें क्या मैं तो हर एक दुआ दे के देख लिया पर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, मैनू खुद नहीं समझ आ रही कि पीड़ा कितना ठीक होगी। तो उस वेले नारद ने उन्होंने पूछा कि महाराज तुसी तो त्रिलोक के जननहार हो, तुसी आप ही दसो कि तुहाडे दर्द की दवा की है? तो उस वेले विष्णु ने कहा नारद तू ही ये प्रश्न पूछा, किसी होर ने नहीं पूछे, कि तुसी आप जानी जानो, आप ही दस दियो कि तुहाडा दर्द किदां ठीक हो सकता है। तो नारद तू इस तरह कर, मृत्यु लोक ते जा, यानी पृथ्वी ते जा। उन्हें कहा महाराज की तुहाडे दर्द की दवा उत्थे है? वो कहते हाँ। तू जा, कित्थे जाना है? अपना कन्न कर, उहदे कन्न च कोई समझाया कि जा फलानी जगह आ चीज लैके आ। नारद फौरन गया, जिहड़ी जगह दसी सी उत्थे पहुंचिया और जो हुक्म कीता सी उह पूरा करके जदों वापस आया कि लो महाराज जो तुसीं मंगिया सी मैं ले आया हाँ। वह कहिंदे बस ला दे ये चीज साडे मस्तक नूं। जदों वह चीज उन्हां दे मस्तक ते लाई तो सिर ते लांदिआं ही वह ठीक हो गए। जो ठीक हो गए तो देवी देवता भी खुश, जिहड़ा वैद सी वह भी हैरान कि ऐसी किहड़ी बूटी लगा दित्ती, ऐसी किहड़ी दवा इहनां दे मस्तक ते लाती जिहड़ी लांदिआं ही यह ठीक हो गए? मैं बड़े तो बड़ी दवाई दे के देख ली, उहदे नाल फर्क नहीं पिया, आखिर सीगा की? पुछिया उस वैद ने, स्वर्ग दे वैद ने कि महाराज ये की लगाया तुहाडे मत्थे नूं जिहदे लगांदे इह दर्द दूर हो गया? तो उस वेले विष्णु ने कहा तेरे सवाल का जवाब तो बाद च देवांगे, पहला नारद के सवाल का जवाब दे दिए, क्योंकि कल इन्हें साडे को सवाल पूछा सी। सो कल का इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया की सब तो कीमती चीज केड़ी है? तो नारद ने कहा महाराज फिर जवाब दो। तो विष्णु ने कहा तू हाले भी नहीं समझिया कि सब तो कीमती चीज केड़ी है? उन्हें कहा महाराज तुसी समझाया कदों, तुसी दस्या ही कदों, तुसी दस्योगे ता ही मैं समझूंगा। तो उस वेले विष्णु ने कहा कि नारद आ तू जिहड़ी चीज लिया के साडे मस्तक नूं लाई है ना, यही चीज संसार दी सब तो कीमती चीज है। देख मैं संसार नूं चलाण वाला, जदों मैनूं पीड़ होई तां इस चीज ने मेरी पीड़ नूं भी दूर कर दिता, ते इहदा मतलब इह चीज सब तो कीमती है। तां नारद समझ गया। तां उसने वैद ने कहा महाराज हुण तुसीं तां आपस विच रमजां च गल्लां करी जांदे, मैनूं भी तां दसो सीगा की, ताकि मैनूं भी पता लगे। तां उस वेले विष्णु ने कहा नारद तू ही दस दे। तां नारद ने कहा कि ये ता महारिषि विशिष्ट जी के चरणों की धूड़ी सी, क्योंकि इन्होंने मैनू कहा कि जा मृत्यु लोक ते, महारिषि विशिष्ट इस वेले पूर्ण संत है, उन्होंने चरणों की धूड़ी लिया के साडे मत्थे ते ला दे, असी ठीक हो जाना है। और ये गया जाके उन्होंने चरण की धूड़ी लियांदी, जिथे उन्होंने चरण रखे सी वह धूड़ी लियांदी और मेरे मस्तक ते लाई, तो देख
मैं ठीक हो गया, क्योंकि संतां दे चरणां दी धूड़ी तो वध के होर कीड़ी दुआ है दुनिया के उपर। इसे लिए तो क्या है, गुरु चरण धूड़ करी इशनान सच्ची दरगह पावे मान के। जिहड़ा गुरु के चरणों की धूड़ी च इशनान कर लैंदा है, गुरु के चरणों की धूड़ नूं मस्तक ते ला लैंदा है, वह फिर सच्ची दरगह पावे मान। उन्हों ही सच्ची दरगाह के अंदर, वह प्रभु के घर अंदर उन्हों ही मान मिलता है, सन्मान मिलता है। इसलिए उस वेले उन्होंने कहा कि संतों के चरणों की धूड़ी ही संसार तो संसार की सब तो कीमती वस्तु है। इसलिए इधर हजरत निजामुद्दीन औलिया की जुत्ती जो देखा उस गरीब के पैरों च, तो हजरत अमीर खुसर की अखों च पानी आ गया कि जिन्होंने चरणों की धूड़ी में लैन में असं तरसते हैं उन्होंने जुत्ती पैरों च। तो उस वेले हजरत अमीर खुसरो ने कहा बई कि ये जुत्ती सानू बेचेगा, ये जुत्ती देगा। तो उन्होंने मन च सोचा कि टुटी है जुत्ती मंग रहे है, एडे अमीर है, खुद इन्होंने पैरों च हीरे मोतियां जड़प जुत्ती है, खुद इन्ने कीमती वस्त्र पाए हुए है, और इन्होंने टुटी है जुत्ती की करनी है, पर फिर भी चलो मंग रहे हैं, बेचण नूं कहिंदे तां दे दिंदे आ, मेरे भी किस काम दी। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, मैं देण नूं तैयार हाँ। तो हजरत निजामुद्दीन हजरत अमीर खुसरो कहण लगे बई दस पे की लएगा, इहदी कीमत की लएगा। तो इस गरीब ने मन सोचा कि जे मैं कितने चार पैसे मंग ले कि इहदे चार पैसे दो, जब दो पैसे दो तो कितने इन्होंने यह ना लगे टुटी जुत्ती की कीमत इन्नी मंगता है, ऐसी नहीं खरीदनी, मसीह तो खरीदने मन्ने है। जे एक अद्धा पैसा अपनी मर्जी ना दे देंगे, जो भी अपनी खुशी ना दे देंगे उही ले लेंगे, क्योंकि कई बार बंदे नूं हुंदा कि चीज बिक जाए, जे ऐवें मैं कीमत दसी तो अगला कितने सोचे कि लै महंगी है मैं नहीं लैनी। इसलिए उन्होंने कहा महाराज मैं की दसा ये टुटी है जुत्ती है, जो तुहानूं चंगा लगता तुसीं आप ही दे दो, शायद जे मंग लैंदा तो फिर भी घाटे च रह जाता। एक गल हमेशा याद रखना, जे दो पैसे मंग लैंदा तो चार पैसे मंग लैंदा, तुहानू दो पैसे या चार पैसे ही मिलने सी, पर उहना जो इन्नी गल कहती कि जो तुहानू ठीक लगता तुसी दे दो, मैं की मंगा। तो उस वेले हजरत अमीर खुसरो ने कहा जो सानू ठीक लगता है तो फिर लिया जुत्ती दे। उन्हें जुत्ती पैरों खोली तो हजरत अमीर खुसरो ने नौकरा नूं कहा जिन्हें ऊंट है इन्हां दी रस्सी हाथ ही फड़ा दो, जिन्हें ऊंट है जो इन्हें समान लद्या है जो भी है इन्हू दे। नौकर भी हैरान रह गए कि इन्ने महीने व्यापार करके आए सी, इन्ना माल कमाया सी, वो सारा इन्हू दे देना, रस्सी दे दी। और नाल ही हजरत अमीर खुसरो कहन लगे बई ये ना सोची कि जुत्ती की कीमत है, इस वेले मेरे को इन्ना ही है, ये रब गवाह है कि इदा के हजार ऊंट होर भी होंगे तो वह भी अज तेन दे देने से असी, पर इस वेले जिन्ने है जिन्ना इस वेले धन साढ़े को इत इस वेले मौजूद है यह सारा तेरा, जे तू मेरे घर हों तो शायद घर भी तेन दे दिता, क्योंकि तू जुत्ती की कीमत मैनू क्या ना जो तुम्हें ठीक लगता दे दो, तो मेरे वास्ते तो यह जोड़ा दीन दुनिया का सब तो कीमती भंडार है, और वो बदले तो मैं सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ। कह के जुत्ती ली और अपनी दाढ़ी के नाल जुत्ती साफ की, यह भी निम्रता होंगी है, यह भी प्रेम होंदा है। और वो जुत्ती अपने पहला सिर पर रखिया तो फिर पालकी च रखिया जुत्ती जोड़े न, और नौकरा ने कहा हूँ पालकी उठाओ चलिए, आप पैदल नाल नाल और मुर्शद की जुत्ती लैके तुर पे। इधर गरीब देखता ही रह गया, एक मामूली जुत्ती जिन्हों मैं समझता सी इन्ना कुछ ना गया। फिर उन्होंने पता लगा कि मना जे कल आ जाता तो फिर आ रहमत कितों मिलनी सी, अज मेरा घर भर गया कितों मिलना सी, मेरी तो जन्मा जन्मा की गरीबी दूर हो गई। और जे मैं जुत्ती उन्होंने कहा जुत्ती ले जा, तो जे मैं जुत्ती भी ना लिया तो फिर यह सब कुछ कितों मिलना सी। वाकई उन्हें भी हाथ जुड़ गए कि वाकई उन्होंने उही जानते हैं कि कदों मैं तारना सी कितना मैं तारना सी, ये उही जानते हैं, वह भी शुक्र करता तुर पिया। और इधर हजरत अमीर खुसरो भी तुर पे, और जब पहुंचे पालकी लैके जोड़ा लैके दरबार च, तो उस वेले हजरत निजामुद्दीन औलिया बैठे और जाके जुत्ती उन्होंने चरणों च रखी कि हजूर आपके चरणों की शोभा आपके चरणों की चंगी लगती है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मुस्कुरा के हजरत अमीर खुसरो ने कहा कि अमीर खुसरो साड़ी जुत्ती खरीदी है बड़ी महंगी खरीदी, और कहना महाराज महंगी कितों, यह तो बड़ी सस्ती मिल गई, नहीं तो यह तो वह है कि अगर मैं अपनी गर्दन भी कट के एक तराजू च रख देव तो वह भी
थोड़ा है। जो इनी गल कही तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मीर खुसरो नूं गल ना ला के कि लै तू साडे जोड़े की खातर अपनी दौलत दिती तो हुण असी जे जोड़ा साडे चरण च रखिया तो उहदे बदले तैनू दोनों जहाना ही दौलत दिंदे हाँ कह के गल ना ला के अंदर ने दरवाजे खोल दिते। यह होंगे गुरु और सेवक का प्यार। जे सेवक गुरु नाल प्रेम करता है तो फिर गुरु भी अपने सेवक नाल प्रेम करके उन्हों बाह पकड़ के उस मंजिल से लै जाता है जिस मंजिल से पहुँचने वास्ते बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते हैं। जिदा कबीर साहब ने कहा है कि जिस रस को मुनिवर मरे सुर नर करे अलाप। कबीर साहब की कहते हैं कि जिहड़ा रस पीण वास्ते बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते हैं, सुर यानी देवता और नर यानी इंसान, के बड़े बड़े देवता भी जिस रस को पीण वास्ते तरसते हैं वह रस तैनू कित्थों मिलेगा। जिस रस को मुनिवर मरे सुर नर करे अलाप, सो रस सहजे पाइए सतगुर संगत आप। कहिंदे ओ रस तू बड़ी सहजता दे नाल पी सकता है अपने सच्चे सतगुरु की संगत करके। सच्चे संतां की संगत विच बैठ के बड़े आराम दे नाल, बड़े प्रेम दे नाल तू ओ रस पी सकता है, क्योंकि संतां दे चरणां च बैठ के इंसान उस प्रभु की कृपा नूं प्राप्त करता है। और वह फिर ही होंगी है जदों अंदर प्रेम होवे, जिदा खुसरो दे अंदर प्रेम सी। इसी तरह जदों इंसान दे अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, अंदर तड़प पैदा हो जाती है सतगुर के दर्शनों की, तो फिर इंसान नूं दोनों जहानों च कोई कमी नहीं रहती। इसलिए जिहड़े प्रेमी होंगे है उन्होंने तो हर वेले उन्होंने अंदर तांग होंगी है कि किहड़े वेले मैनूं मेरे सतगुर का दर्शन हो जाए, किहड़े वेले मैनूं उहदा दीदार हो जाए। जिस तरह संत कबीर जी ने भी अपनी वाणी च लिखिया है, की लिखिया है संत कबीर ने, एक आशिक दी एक गुरमुख दी अवस्था बारे लिखिया है कि जिहड़ा सच्चा गुरु नाल प्रेम करन वाला हुंदा है उहदी अवस्था की हुंदी है। उहदे बारे कबीर साहब अपनी वाणी च दसदे है कि सतगुर बिन मोरे दर्द करेगे होए। कबीर साहब कहिंदे बिना गुरु दे दर्शना तो बिना सतगुर नूं देखिया मेरे कलेजी अंदर दर्द होंदी है, पीड़ होंदी है। सतगुर बिन मोरे दर्द करेजे होए, दिन नाही चैन रैन नाही निंद्रा, का से कहू दुख रोए। हुण कबीर साहब कहिंदे है कि इदां दे पीड़ गुरु दे दर्शना तो बिना मेरे अंदर उठती है कि दिन नूं चैन नहीं है और रात नूं नींद नहीं है। दिन भी तड़फदिया गुजर जाता है, सुरती लगी होंदी है कि किहड़े वेले सतगुर का दीदार होवे, और रात भी उन्हूं याद करदिया गुजर जाती, रात नूं भी नींद नहीं आती। इसलिए दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा, कैसे कहूं दुख रोए। हुण कबीर साहब अपनी वाणी च कहिंदे है कहत कबीर सुनो रे साधो, सतगुर मिले सुख होए, सतगुर बिन मोरे दर्द करे जे होए। कबीर साहब कहते ये पीड़ा तो उदों दूर होनी है जदों सतगुर मिलेगा, जदों उहदा दर्शन करांगा उहदा दीदार करांगा फिर ही मन नूं शांति मिलनी है। हुण उहदे दर्शनां तो सिवा होर कुछ चंगा नहीं लगता। इसलिए तो साईं बुल्ले शाह भी दर्शनां की गल करते हैं। बुल्ले शाह अपनी बाणी च कहते हैं बुल्लिया शाह का मैं मोहताज हुआ, बुल्लिया शाह का मैं मोहताज हुआ, महाराज मिले मोरा काज हुआ, दर्शन पिया का मोरा इलाज हुआ। बुल्ले शाह भी यही दसते हैं कि हुण मैं उहदे दर दा मोहताज है, उहदे दर दा मंगता हाँ, हुण उस तो सिवा किहदे कोलों मंगा, उस तो सिवा किहदे अगे सिर झुकावा। बुल्ले शाह का मैं मोहताज हुआ, महाराज मिले मोरा काज हुआ, और जदों वह मिल गया उन्हें अपना हथ मेरे सिर ते रख दिता तो मेरे जन्मा जन्मा दे बिगड़े हुए काज पूरे हो गए। इसलिए तो क्या है बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब की आज, तो दसी रहा है कि अज ही सुधर सकता है सब कुछ जो सतगुर अपना हाथ सिर ते रख दिंदा है। इसलिए महाराज मिले मोरा काज हुआ, दर्शन पिया का मोरा इलाज हुआ, कि हुण तां सतगुर का दर्शन ही मेरे सारे दुखां दी दुआ है, मेरे सारे दुखां दी दारू गुरु का दर्शन है, वह मालिक का दर्शन है, कि उहदा दर्शन हो जाता है तो मेरे सारे दुख मैनू भुल जाते हैं, कोई पीड़ा रही नहीं जाती। ये प्रेमी की अवस्था होंदी है, और ऐसे प्रेमी जिहड़े गुरु नाल प्रेम करन वाले है उही अपने जन्म नूं सफल बना के अपनी असली मंजिल नूं पाते हैं। वह असली मंजिल जिस वास्ते सानू ये जीवन मिलिया है, जिस वास्ते असी दुनिया ते आए हाँ,
ਉਹ ਜਨਮ ਉਹ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਹੱਜ ਜਾਈ ਜਟਾ ਵਾਂਦ ਜੋਗੀ ਮੂਏ ਇਨਹੂ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਪਾਈ ਧਨ ਸੰਤ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੂਏ ਔਰ ਲੈ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ ਧਨ ਸੰਚ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੂਏ ਔਰ ਲੈ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ ਵੇਦ ਪੜਤ ਪੰਡਤ ਮੂਏ ਰੂਪ ਭੂਲ ਮੁਈ ਨਾਰੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਵੇਦ ਪੜਤ ਪੰਡਤ ਮੂਏ ਰੂਪ ਭੂਲ ਮੁਈ ਨਾਰੀ ਜੋ ਨਰ ਗੁਰਸੇ ਯੁਕਤੀ ਲੇਕਰ ਖੋਜੇ ਆਪ ਸ਼ਰੀਰਾ ਤਿਨਕੀ ਮੁਕਤੀ ਕਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਹੀ ਜੂੰ ਕਹੇ ਦਾਸ ਕਬੀਰਾ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰਮ ਚ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਠੋਕਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਠੋਕਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਹੱਟ ਜਾਈ। ਉਹ ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੇਵ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਹੱਜ ਜਾਈ ਜਟਾ ਵਾਂਦ ਜੋਗੀ ਮੂਏ ਇਨਹੂ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਪਾਈ। ਔਰ ਜੋਗੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਸੰਚਤੇ ਰਾਜਾ ਮੂਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਧਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸੰਚਦੇ ਸਿੰਚਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਬ ਕਰ ਲਓ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਜੋੜਾਂ। ਔਰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਜੋੜਦੇ ਜੋੜਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਰ ਗਏ। ਔਰ ਲੈ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ ਵੇਦ ਪੜਤ ਪੰਡਿਤ ਮੂਏ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਮੁਕਤੀ ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਰੂਪ ਭੂਲ ਮੁਈ ਨਾਰੀ, ਔਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਧਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਦਵੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ, ਯੋਗੀ ਜਟਾਵਾਂ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਜਟਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਯੋਗੀ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਯੋਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਟਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਟਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜਟਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਰਕ ਮੂਹੇ ਹੱਜ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਵਾਂਗ ਜੋਗੀ ਮੂਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਗੁਰਸੇ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਖੋਜੇ ਆਪ ਸ਼ਰੀਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੌੜ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਗੁਰਸੇ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਖੋਜੇ ਆਪ ਸਰੀਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਤਿਨਕੀ ਮੁਕਤੀ ਕਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਹੀ ਜੂੰ ਕਹੇ ਦਾਸ ਕਬੀਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ
ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਯੁਕਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ? ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਮਨ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਭ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੱਤ ਵਜਨ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੱਬ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡੀ ਭਰੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ? ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸੰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਗ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਨਾਪਤੀ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਪੇਸ਼, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੁਕਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬੁਲਾਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕੀਤਾ ਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਰਾਜਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਔਰ ਰਾਜਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹਾਂ
कि मैं रब नू पाना चाहता हूं पर मैं गुरु धारना नहीं करनी, बिना गुरु तो मैं रब नू पाना चाहता, कोई मैनू ऐसा उपाय दसो कि जेड़ा मैं रब नू पा लवां। तो उस वेले कबीर साहब समझ गए, क्योंकि संतों को पता ही होंगे कि किहड़ा अंदर किन्ना क प्रेम है, किन्ना क अहंकार है, किहदे अंदर किन्नी क ममता है, किन्ना क मोह है, पता लग जांदा है संतों की नज़र नू, देख लैंदी है इंसान के अंदर नू, देख लिया कि अहंकार नाल भरिया होया है और चाहता की है, हुण किदां किहदा अहंकार तोड़ना है, किदां किहनू सही रस्ते ते पाना है, इह वी संत ही समझदे है। इसलिए संत कबीर ने कहा कि राजा बिना गुरु तो रब नू पाना चाहता है, उहदा रस्ता चाहिए है। वह कहता हाँ महाराज उहदा रस्ता चाहिए है। फिर कहिंदे एक काम तैनू पहला करना पएगा, मैं कहिंदा हुक्म करो की करना है। कहिंदे पहला एक काम कर, उहना कहिंदा हुक्म करो दसो। कहिंदे काम यह करना है कि एक मेंढक लैके आ, एक मेंढक एक डड्डू लैके आ। उन्हें क्या मारे डड्डू नाल मेरे सवाल का मतलब की, मैं तुहानू पुछ रहा कि मैनू रस्ता दसो बिना गुरु तो रब नू पाण दा, तुसीं कहिंदे मेंढक लैके एक डड्डू लैके आ, इह डड्डू दा मैं की करना है। वह कहिंदे तू लैके ता। उन्हें उस वेले सेनापति ने हुक्म दिता कि जा बई जिथों मर्जी होवे जिदा मर्जी होवे एक मेंढक लैके आ। हुण हुक्म मिलदे सेनापति दौड़िया, काफ़ी देर तो बाद जदों सेनापति आया तो एक डब्बा सेनापति के हाथ च है, क्योंकि मेंढक पकड़िया उन्होंने धो धो के लिया कि राजे के मूहरे पेश करना, तो गंदा मुंडा तो कर नहीं सकते, इसलिए चंगे पानी ने धोता उन्होंने एक डब्बे च पाया लैके आ गया कि लो महाराज मेंढक। हुण राजे ने मेंढक का डब्बा संत कबीर के अगे किया, कहिंदा लो महाराज तुसीं मेंढक मंगाया सी, डड्डू मंगाया सी, आ गया, हुण दसो हुण मैनू उपाय दसो कि बिना गुरु तो रब नू पाउण दा उपाय की। वह कहिंदे ठहर हाले तैनू एक काम होर करना है, तू जानना चाहता है ना कि बिना गुरु तो रब किदा पाया जावे, ये तेनों उदो ही दसांगे जदों तू एक काम होर करेगा। वह कहिंदा महाराज वो की? कहिंदे ये मेंढक लै जा, ये डड्डू नू लै जा घर, और घर ले जाके इहनू मैं इहदी छत ते रख के बैठ। वह कहिंदा महाराज फिर की करना है? वह कहिंदे करना की है, जिस दिन तेरा यह मेंढक छाल मार के आसमान से चढ़ जाऊंगा ना, उस दिन तू आके सानू पूछ ले बिना गुरु तो रब किदा पाया जाता, उस दिन असीं तेनू दस देवांगे कि बिना गुरु तो रब किदा मिलना। राजा कबीर साहब के मूँह की तरफ देखे, कहिंदा महाराज ये तुसीं किदां दीआं गल्लां कर रहे हो, कभी डड्डू भी उछल के, कभी मेंढक भी उछल के आकाश में चढ़िया है कि मेंढक जिन्नियां मर्जी छालां मारी जावे आखिर रहना तो धरती ते ही है ना, वह कभी आकाश तक तो पहुँच नहीं सकता। कबीर साहब कहते बस राजा जिस तरह मेंढक जिन्नियां मर्जी छालां मार लवे कभी आकाश तक नहीं पहुँच सकता, इदां ही बंदा जिन्नियां मर्जी कोशिशां कर लवे जिन्नियां मर्जी छालां मार लवे बिना गुरु तो कभी रब तक भी नहीं पहुंच सकता। तू भी तो डड्डू वाला काम कर रहे हैं, जिद डड्डू इशारा मार मार के चाहे कि मैं आकाश से पहुंच जावा, इसी तरह तू भी तो डड्डू वांग इशारा मार रहा कि मैं भी रब रूपी आकाश से पहुंच जावा, पर जिदा डड्डू कभी उत्थे नहीं पहुंच सकता, इदा ही बिना गुरु तो कभी बंदा रब तक नहीं पहुंच सकता। उस वेले राजे नूं ज्ञान होया, पता लगा कि यह मेंढक मंगाया सी तां मेरियां अन्नियां अखां ते जो अहंकार का पर्दा पिया सी उन्हों हटाने वास्ते कि मैं नहीं करी जाता सी कि बिना बिना गुरु तो रब नू पालो। इसलिए तो संत कबीर ने राजे नू समझाने की खातर वाणी का उच्चारण किया कि कबीर गुरु कृपा बिना प्रभु दर्शन की आस, जैसे मेंढक उछल के चाहत चढ़न आकाश। कबीर साहब कहते जिदा मेंढक उछल के आकाश चढ़ना चाहे तो कभी भी नहीं चढ़ सकता, इसी तरह कबीर गुरु कृपा बिना प्रभु दर्शन की आस। वो कहते बिना गुरु की कृपा तो जेडे प्रभु दर्शन की आस रखते ना कि सानू बिना गुरु तो प्रभु का दर्शन हो जाए, वह भी मेंढकों की तरह जैसे मेंढक उछल के चाहत चढ़न आकाश, जिदा मेंढक छाल मार के आकाश चढ़ना चाहता है, इसी तरह वह इंसान भी परमात्मा नूं पाना चाहते हैं, पर जिदा मेंढक नहीं कभी उत्थे तक पहुँच सकता, इसी तरह इंसान भी बिना गुरु कृपा तो पहुँच नहीं सकता। इसलिए तो बुल्ले शाह ने अपने कलाम च किया है, की कहिंदे बुल्ले शाह? बुल्ले शाह कहिंदे जिथे वसदा है उत्थे दसदा नहीं, केडी 420 वाली बात हुई। तो कहिंदे परमात्मा है किथे तो दुनिया लभदी किथे, है किथे तो दुनिया को भरम च कितने पाया है, कहती 420 420 का मतलब तुम समझते हो किसी ने ठगी कर लो, किसी ने झूठ बोल दिया, कहते 420 बंदा है। तो कहते है प्रभु तुम ही बड़ा 420 है, रहा कि दुनिया को भुलेखा कितने का पाई जाता है,
रहिंदा इंसान दे अंदर आया तो दुनिया नूं भुलेखा पाया कि मैं तीर्थां ते रहिंदा हां, दुनिया नूं भुलेखा पाया कि मैं मक्के रहिंदा हां, मैं जंगलां च रहिंदा हां, तू रहिंदा किते है तो दसदा किते है, केड़ी 400 वी वाली गल है, जरा गौर करना, जिसे वसदा है उत्थे दसदा नहीं, केड़ी 420 वाली बात हुई, ऐसी मिलन गए उन्हूं विच काबे साडी उत्थे भी ना मुलाकात हुई, कहिंदे असी गए सी मक्के भी, बुल्ले शाह कहते मैं मक्के भी गया पर मक्के जाके भी मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैनू परमात्मा नहीं दिसिया किते, असी मिलन गए उन्हूं विच काबे साडी उत्थे भी ना मुलाकात हुई, खाना काबा ते मंदिर मसीत खाली, मुला पंडतां दी झूठी बात हुई, कहिंदे मंदिरां च भी देख लिया मस्जिदां च भी देख लिया पर खाली किते रब दिसिया ही नहीं, मुला पंडतां दी झूठी बात हुई, जदों लब्भा ते अपने ही घरों लब्भा, हुण आखरली लाइन च बुल्ले शाह कहिंदे जरा गौर करना एक बार फिर समझ लो कि जदों लब्भा ते अपने ही घरों लब्भा, कदों मेहरवान जद मुर्शद दी जात होई, हुण बुल्ले शाह कहिंदे कि कदों कदों लब्भिया, जदों मिलिया तां अपने घरों लब्भा पर कदों मेहरबान जब मुर्शद दी जात हुई, जदों गुरु मेहरबान हो गया, जदों गुरु ने खुशी नाल तकिया, गुरु ने कृपा कीती तां परमात्मा तां ही लब गया, फिर किते इहनूं लब्भण दी लोड़ ना पई क्योंकि उह तां अंदर सी, बस गुरु ने कृपा कीती तां जिहड़ा छुपिया होया सी उहनूं सामने लिया, उहनूं प्रगट कर दित्ता, सामने लिया के रखता कि किहनूं तलाश कर रहे हैं, किथे तलाश कर रहे हैं, परमात्मा तां तेरे अंदर है, इसलिए जिथे वसदा है उथे दसदा नहीं, केडी 420 वाली बात हुई, असी मिलन गए उन्हूं विच काबे साडी उथे भी ना मुलाकात हुई, खाना काबा ते मंदिर मसीत खाली, मुला पंडतां दी झूठी बात हुई, जदों लब्भा ते अपने ही घरों लब्भा, मेहरबान जद मुर्शद दी जात हुई, जदों मुर्शद ने मेहर कीती, जदों गुरु ने मेहर कीती तां फिर प्रभु अंदरों ही मिल गया, इसलिए तुहाडे सब दे अंदर ही ओह परमात्मा बैठा होया है, तुहाडे सब दे अंदर ही ओह प्रभु बैठा होया है, बस जरूरत है गुरु चरणा नाल जुड़न दी, जरूरत है गुरु चरणा नाल जुड़ के बेनती करन दी, क्योंकि जिहड़ा गुरु चरणा नाल जुड़ के उस प्रभु नूं मंगदा है फिर गुरु उहनूं ओह रस्ता दिखांदा है कि किस तरह असी प्रभु तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि सत्संग दे विच जां गुरु चरणा विच आंदे हजारे जीव है पर पहुँचदा कोई विरला है प्रभु तक, हुण तुसीं पुछोगे कि जे हजारा ही आते तो हजारा क्यों नहीं पहुँचते, फिर एक ही क्यों पहुँचता, कोई विरला क्यों पहुँचता है, उहदा भी कारण है, उहदा भी राज है। एक दिन आनंद ने महात्मा बुद्ध तो सवाल पूछा कि महाराज तुसीं कहिंदे हो कि जो भी सतसंगत में आता है वह प्रभु नूं पाता है, क्योंकि गुरु एक शब्द अंदर लिखा भी है कि सहज मार्ग है मोक्ष का सत्संग ही, जग माही बिन सत्संग संसार में ईश्वर मिलता नहीं, कि बिना संतों की संगत तो कभी ईश्वर नहीं मिलता, इसलिए सब तो सौखा उपाय प्रभु नूं पाउण दा सत्संगत है। तो उस वेले आनंद ने पूछा महात्मा बुद्ध तो कि महाराज सुनिया कि सत्संग अंदर आके बैठने नाल सारे नूं ईश्वर मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, पर मैं देखता है कि कईयां नूं ईश्वर मिल जाता है, कईयां नूं मिलता ही नहीं है, इदां क्यों? हुण तुसीं भी सोचते होंगे कि जे सत्संग ही मार्ग है प्रभु नाल जोड़न दा तो फिर लोगों को रब मिलता क्यों नहीं? इसी तरह पूछिया आनंद ने महात्मा बुद्ध तो, महात्मा बुद्ध ने जवाब दिता कि आनंद कल साडा सत्संग है, जवाब तैनू कल देंगे। हुण जदों अगला दिन आया, कल का दिन आ गया, सत्संग के समय संगत इकट्ठियां हो गई, लोग आके बैठ गए, तो उस वे आनंद को याद आया कि मैनू इन्होंने कहा कि कल जवाब देवे, अब कल आ गया, हुण पुछिए पूछा उस वेले आनंद ने कि गुरुदेव तुसीं कहा सी कि कल जवाब देवे, हुण जवाब दिओ, सत्संग का समा भी हो गया है। तो उसने महात्मा बुद्ध ने कहा तू एक काम कर, ये जिन्हें भी लोग आए सबने पूछ के आ कि कादे वास्ते आए, की करन वास्ते इत्थे आए, की सोच के आए, क्या पूछ के आ। हुण जदों जिन्हें कि जी बैठे हुए सी आनंद कले कले को गया जाके पूछे, हाँ जी तुसी किदां आए हो, तुहाडा किदां आना होया, कले कले को पूछ के जदों वापस आया महात्मा बुद्ध दे कोल, तां महात्मा बुद्ध ने कहा हाँ भी हुण दस कादे वास्ते आए है। उन्हें कहा महाराज कोई कह रहा है मैं दुख की खातर आया, कोई कहना मैं पुतली खातर आया, कोई कहना मैं तंदुरुस्ती की खातर आया, कोई कहना मैं बीमार है मैं ठीक हो जावां इहदे वास्ते आया हाँ, कोई कहना मेरा धी बीमार है मेरा पुत बीमार है मैं तां आया हाँ,
कोई कहता मेरा कारोबार नहीं चलता, मैं आशीर्वाद लेना आया मेरा कारोबार चले। कोई कहता मैं बड़ा परेशान है, मेरा फलाना काम कई दिनों तो रुकिया है, वो वास्ते आया आशीर्वाद मिल जाए और काम हो जाए। महात्मा बुद्ध ने कहा हूँ दस सत दसी इन्हों चो कि ऐसे है जिन्होंने ये कहा कि असी परमात्मा की खातर आए, असी रब नूं पाण आए। उन्होंने कहा मारे सिर्फ चंद जीव ऐसे है, दो चार ही ऐसे मिले जिन्होंने कहा प्रभु की खातर आए। कहते फिर देख आए हजारा पर ये दो चार ही प्रभु तक पहुंचे, बाकी जो लैन आए हैं मिलेगा उन्होंने भी, पर वो दुनिया मंगन आए तो दुनिया ही लैके जाएंगे। क्योंकि जिहड़ा जैसी भावना सतसंगत में आके बैठता है वो वैसा ही फल लैके जाता है। जे कोई तंदुरुस्ती की भावना आता कि मैं रोग लगा मेरा रोग दूर हो जाए, तो जब सत्संग को जाता है तो समझ लो रोग दूर हो गए। हुण इंसान पर निर्भर करता है कि इंसान कैसी भावना के नाल सत्संग के अंदर आता है। सत्संग तो मिलांदा है परमात्मा नाल, कोई शक नहीं है, सत्संग जोड़ता है सानू प्रभु के नाल। जे हुण इंसान दुनिया की भावना लैके भी सत्संग में आता है तो भी जिन्ना चिर संतों के वचन सुनता उन्ना चिर सुरती तो प्रभु नाल जुड़ती है, उन्ना चिर मन तो परमात्मा नाल जुड़ता ही है। सो संत तो सानू जोड़ते हैं प्रभु के नाल, पर इंसान की मंग भी होंगी है कि मैं आया कि भावना घरों ही जो बंदा सोच के तुरिया हो मैं फलानी चीज वास्ते चला, फिर जो सोच के बंदा आता है उ लैके चला जाता है। जे दुनिया सोच के आए तो दुनिया मिल गई, तो जे प्रभु में सोच के आए तो प्रभु मिल गया। इसलिए यह इंसान के उपर निर्भर करता है कि असं की सोचते हैं, की लैके कि भावना लैके सतसंगत अंदर आते हैं, और जी भावना इंसान सत्संग आता है तो उही भावना वह संतों की पूरी कर देंगे है। इसलिए जब भी सत्संग अंदर आओ तो उस प्रभु की खातर आओ, उस परमात्मा की खातर आओ, क्योंकि असी कई बार दसीदा है कि जो उ मिल गया फिर होर कुछ मंगण की तो जरूरत ही नहीं रहेगी, होर कुछ कहन की दसन की तो लोड़ ही नहीं रहेगी। और जो उ नहीं तो फिर दुनिया के सारे पदार्थ भी मिल जाए तो भी समझ लो हाले मिले ही कुछ नहीं, क्योंकि जे वो एक है तो सब कुछ है, और जे वो एक नहीं तो सब कुछ भी मिट्टी है, क्योंकि अंत वेले तो सब मिट्टी होना ही है। इसलिए हम आखरले वचना से ही कहेंगे, समा काफ़ी हो गया है, और जिस तरह दसिया है कि अगे भी संगत इंतजार कर रही है, उत्थे भी बच्चे का जन्मदिन है, केक की रस्म होनी है, उत्थे भी संगत इंतजार कर रही है, इसलिए आखरले वचना से ही कहेंगे। बाकी गल तो सारी समझण की होंगी है, जिन्हें समझना होना समझना ही हो एक इशारे नाल भी समझ लैंदा है, जिन्हें नहीं समझना दिन रात भी समझाई जाओ तां भी इंसान पर असर नहीं होंगे, गल तो समझण की है। इसलिए तुम सारे समझदार हो, बस इशारे को समझने की कोशिश करो कि सानू जिंदगी मिली है तो उस प्रभु की बंदगी करिए, नाम जपिए, याद रखिए, और दसे हुए मार्ग से अगर अपनी जिंदगी बतीत कर देवे तो फिर ही असं खुशियां भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सच्चे धन भी जोड़िया करो। असं कई बार दसिया कि महल माया संपत्ति महल चुवारे इनसे लागा मन, अज इंसान का मन कितने लगा है माया दे विच महलों में, महलों जानी अपने घर, और इंसान सोचता चुबारे बना लव, उच्चे उच्चे घर खड़े कर लव, ज़्यादा तो ज़्यादा धन जोड़ लव, इन्होंने इंसान की सारी जिंदगी गुजर जाती है। माया संपत्ति महल चुबारे इनसे लागा मन, हुण मन तो लग गया पर असली धन केड़ा है। हुण असली धन बारे दसन जा रहे हैं कि माया संपत्ति महल चुबारे इनसे लागा मन, सतसंग सिमरन दान दिया जे है सच्चा धन। असली धन तो है संतां दी संगत, ये दो कड़ियां सतसंग बैठ ले तो तुसी वह धन कमा लेंगे हो जिहड़ा सच्चा धन है। इसलिए सतसंग सिमरन, ये दो कड़ियां बैठ के प्रभु का सिमरन कर लोगे तो तुसी वह धन कमा लिया जिहड़ा धन सच्चा है, तुहाडे काम आना है। इसलिए सतसंग सिमरन दान दिया, और जिहड़ा अपने हत्थां नाल दान कर लेना वह है धन जिहड़ा अगे काम आना है। और जीवा ते दया कर लेनी, किसी ते जुल्म नहीं करना, सब ते दया करनी, वह है सच्चा धन जिहड़ा प्रभु दे घर तुहाडे काम आएगा। इसलिए सच्चे धन नूं भी थोड़ा जोड़ो, सतसंगत करो, सिमरन करो, दान करो, दया करो, और शुभ कर्म करदे अपनी जिंदगी बतीत कर दिओ, क्योंकि यही वो धन है सच्चा धन जिहड़ा दोनां जहानां च साडे काम आता है। और जिहदे पल्ले यह धन है उही है दुनिया का सब तो धनी इंसान, और जिहदे पल्ले नेकियां का धन नहीं है वो तो फिर कंगाल है, वह खाली है। इसलिए आओ नेकियां का धन जोड़िए, और अपने जीवन को अपने जन्म को सफल बना के उस मालिक के घर दियाँ खुशियां को प्राप्त करिए। और हुण इन्हां वचनां नाल ही असीं अज्ज दे सत्संग की समाप्ति करांगे, और अंत में यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि वह मालिक तुहानूं सबनूं
नाम नाल जुड़न की ताकत देवे, नाम जपन की ताकत देवे और तुहाडे सब दे हिरदे च अपनी सच्ची मुहब्बत, सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास पैदा कर देवे और तुहानू इह वी ताकत देवे कि तुसी सेवा सिमरन करदे हुए, दान पुन करदे हुए, नेक मार्ग ते चलदे हुए अपनी जिंदगी बतीत करके अपने जीवन नू सफल बना सको और वह मालिक सदा ही अपनी कृपा दया दा हत्थ तुहाडे सिर ते रखे। यही साडे उस मालिक दे चरणां च अरदास है और अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नू असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो और साडे नू बंदगी तुहानू सारे ਸੋਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ।